सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके विंडोज़ पीसी में गूगल क्रोम ब्राउज़र के लिए फ्लैश प्लेयर को कैसे इनेबल करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बहुत ईजी और बहुत सिंपल मेथड बताने वाला हूँ। तो ये इनबिल्ट फीचर है दोस्तों क्रोम ब्राउज़र का। अगर आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र ओल्ड वर्जन में दोस्तों, आप उसको अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद तो हो सकता है फीचर ये न्यू वर्जन में अवेलेबल है। तो अगर आपने ब्राउज़र को अपडेट नहीं किया है तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र को अपडेट कीजिए। अपडेट करने के लिए दोस्तों बहुत ईजी और बहुत सिंपल मेथड है। थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ से हेल्प में जाइए और अबाउट गूगल क्रोम में जाइए। वहाँ से आप इजीली इसको जो है अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद दोस्तों, अगर आपको फ्लैश प्लेयर को इनेबल करना है तो सेटिंग्स में जाइए। तो कुछ वेबसाइट जो है दोस्तों, अगर आप कुछ वेबसाइट में वीडियो प्ले करते हैं तो वो वेबसाइट जो है दोस्तों, आपको जो है आपका फ्लैश प्लेयर इनेबल करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस वेबसाइट से वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो इनेबल करने के लिए दोस्तों सेटिंग्स में ये स्क्रॉल कीजिए और एडवांस ऑप्शन फाइंड आउट कीजिए और उसको ओपन कीजिए। और यहाँ पर दोस्तों प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साइट सेटिंग्स का, उसको ओपन कीजिए। और साइट सेटिंग्स में दोस्तों नीचे स्क्रॉल कीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैश, तो इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से इजीली इसको आप इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद भी दोस्तों, अगर आपके कोई भी वेबसाइट में वीडियो प्ले नहीं हो रहा है तो अगर आपको फ्लैश प्लेयर को इनेबल करने को कह रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों वेबसाइट यूआरएल बॉक्स में आप यहाँ पे एक साइड इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप इजीली जो है दोस्तों फ्लैश प्लेयर को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको क्या करना है, अलाउ कर देना है। बहुत सिंपल है दोस्तों, इस तरीके से आप उसको ईजिली अलाउ करके आप अपने वीडियोज़ को एन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपके वेबसाइट में वीडियो प्ले नहीं हो रहे तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद भी दोस्तों आपको साइड इन्फॉर्मेशन ऑप्शन में आके यहाँ से इसको अलाउ कर देना। तो बहुत इजी और बहुत सिंपल है दोस्तों। तो बस दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो को बताने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग डेली वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।